really good. गाइस आपने देखा किस टाइम रात के 3 बज रहे हैं, और रात के 3 बजे मैं क्यों उठी हूँ वो आपको पता चल जाएगा। मेरे साथ आगे बनी रहिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। और अभी मेरे चेहरे पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि रात को मैं 1:30 बजे सो रही हूँ और फिर 3 बजे उठ रही हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से मेरी शक्ल और पकौड़े जैसी दिख रही है, तो उस पर फोकस मत कीजिए। चलिए ब्रश करते हैं। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और सुबह के 5 बजे ही हमारी बस आ जाएगी, तो मुझे कुछ बनाना है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ हल्का फुल्का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पुलाव बना लेती हूँ साथ में रायता, तो मैं यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे ट्रेवलिंग में सबसे सही लगता है यार पुलाव बना दो साथ में रायता, वो सैलेड बस। सोया पीनी जो कि मैं रात को मैंने 1:30 बजे सोई थी, मैंने भिगो दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अभी 3 बजे उठना ही है। मैंने स्लिप पे ही कैमरा रख दिया, कि आप थोड़ा सा देख पाए। मैं बहुत अच्छी कुकिंग तो नहीं करती हूँ, बस जल्दी वाला काम है ये। अगर बॉयज है, आप हॉस्टल में रहते हैं, तो ये आप लोग बहुत अच्छा है, फटैक से ये राइस बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रात को बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे यहीं पर ही, इनको मुझे लगाने हैं। तो चलिए पहले कुकर में तेल डाल देती, पानी। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने खड़े मसाले डाले हैं सारे ही, मतलब बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च। बहुत सारी काली मिर्च मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर वो मुँह के नीचे आती है तो अच्छा नहीं लगता। बट मुझे वीडियो बहुत लंबी हो रही थी जिस वजह से मुझे वो स्किप करना पड़ा, और यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, मतलब पूरी कुकिंग करते टाइम पूरी बनाई थी, ये सोचा था कि मैं ऐड कर दूँगी। बट आगे की वीडियो इतनी लंबी हो रही थी ना कि इस वजह से फिर मुझे ये कट करना पड़ा। तो अगर आप इसकी पूरी रेसिपी चाहते हैं, आपको अच्छी लगेगी, तो मुझे बोलिएगा, मैं बता दूँगी आप लोगों को कि मैंने कैसे बनाया, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैं अपने पुलाव की पूरी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, पूरा बना चुकी हूँ। ये फ्रोज़न मटर हैं जो कि मैं डाल रही हूँ, और मैंने थोड़े से फ्लावर डाले हैं, सोयाबीन डाला है, मैं पनीर भी डालती हूँ, बट इस टाइम मैंने पनीर को स्किप किया है क्योंकि सडनली प्लान बना तो था नहीं, तो इस वजह से। अभी मैं इसमें 1/2 नींबू निचोड़ दे रही हूँ जिससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है लेमन का, और एवरेस्ट मसाला मैं डालती हूँ हमेशा ही, मतलब इस वाले राइस में, तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और आप देख रहे हैं बस मैंने यही सब चीज़ें डाली हैं, और बहुत ही क्विक वाली रेसिपी है, आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी पराठे के साथ खा सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2-3 स्पून घी डाल दिया है, उससे क्या होगा हमारे राइस एकदम अलग अलग और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो गाइस मैंने नहा लिया है, और नहा के मैंने पूजा भी कर दी है, आप देख सकते हैं। तो भगवान को भोग लगा दिया है, पूजा कर ली है, और अपना जो रास्ते का खाना है वो भी, एक्चुअली लेट हो रहा था तो मैंने वीडियो वहीं पे, मतलब मैंने वहीं पर ही बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं सब मैंने यहाँ पे ढक के रखा है, ऐसे ठंडा हो जाए फैन के नीचे। और अब मैं चल रही हूँ अपने फेस का मेकअप करने, ऐसे मैंने ये पहना है, मुझे ऐसा लगा कि गर्मी के हिसाब से और ट्रैवलिंग के हिसाब से अच्छा रहेगा, तो ये सही लग रहा है। एक मैंने ये निकाला है, एक ये निकाला है, मैं देखती हूँ लास्ट जब मैं एकदम फाइनल आपको मेकअप करके मिलूंगी तो देखते हैं कि मेरा फाइनल क्या होता है। बट ऐसा लग रहा है मुझे ये पहनना चाहिए, तो देखते हैं मूड मेरे चेंज होते रहते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से अपना मेकअप कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर अपना टिफिन पैक कर लिया है, ये है वो राइस, और यहाँ पर मैंने थोड़े से सैलेड कर लिया, एक्चुअली मैंने ना पैक कर दिए थे, फिर मुझे याद आया कि मुझे आपको दिखाना है, और ये है मेरा रायता।
तो ये मैंने पैक कर लिया है। तो गाइज़ अभी टाइम है और अभी किसी का कॉल आया नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक कप चाय बना के पी लूँ, क्योंकि मुझे चाय की ना इतनी आदत है कि अगर मैं ना पीऊँ तो मेरा सर पकड़ लेता है। तो टाइम है तो चाय बना लेते हैं। तो गाइज़ मैं निकल चुकी हूँ, ये मेरी फ्रेंड है नीतू जो कि मुझे लेने आई थी। इसका घर मेरे घर से 5-10 मिनट की दूरी पे है, तो उसने बोला मैं आ जाती हूँ आपको लेने के लिए। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो ये जो है ना ये क्लास, ये नीतू की जुम्बा क्लास है। मैं नीतू के यहाँ पे स्टूडेंट थी, उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स बन गए। और नीतू और मेरे को लगभग 3 साल हो गए एक दूसरे को जानते हुए। और यहाँ पे हम लोग कुछ गप्पे मार रहे थे, वो मैं आपको बताऊँगी बीच में क्या हुआ। और एक्चुअली हम लोग का पोपट होते होते बच गया, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। चाय टाइम, हमारी चाय मेकर गाइस बस आ गई है। नीतू का घर है यहीं पे, नीतू के घर के सामने ही ये था कि सारी लड़कियां यहीं इकट्ठा होंगी और यहीं से ही सब जाएंगे। तो ये भैया हैं एक्चुअली, ये जो पीछे खड़ी है ना कोमल मेरी फ्रेंड, उसके भाई हैं। तो इनका भी सडनली प्लान हो गया, तो इनका ये भी थे साथ में। तो ये हुआ, नीतू ने बोला कि नारियल रखा हुआ है घर में, तो शुभ काम में कैसी देरी, कोई भी शुभ यात्रा करने के पहले नारियल फोड़ लेते हैं। अब मैं बस में आ गई हूँ और यहाँ मैं सबसे आपको मिलवाती हूँ। तो यहाँ से माई जर्नी स्टार्ट हो गई है, मतलब बस चलने ही वाली थी, तो मैं इसलिए आपको सबको एक एक दिखाती आ रही हूँ। और ये जो बीच में खड़ी है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरी बेस्टी। तो हमारी बस चल पड़ी है। तो हम लोग बैठे सबसे पीछे। चलो कोमल मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके घर को छोड़ा, उसके गली में दिल को तोड़ा, बिजली ने मैं धड़ाना मैंने दिल से उसा निकाला, जो ना का था वो डाला, फिर भी याद मेरी को करता है ये। तो गाइज यहाँ पे डांस चालू हो गया, फुल मस्ती हो रही है, हम लोग गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और अभी हम लोग अंताक्षरी भी खेलेंगे, आप आगे देखिएगा। तो जो व्हाइट टॉप में थी वो कोमल थी, और वो इतना मतलब यार उसके साथ रहो तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे, इतना उसने हंसाया, इतना हंसाया उसको। मैंने बोला कोमल सॉन्ग आ, तो उसने एकदम से ऐसे गाना गाया कि हम लोग हंस हंस के पागल हो गए, आपने आगे देखा भी होगा। तो मतलब मैं जितनी बार अपनी वीडियोज़ देख रही थी ना, मैं बार बार हंस रही थी, मतलब ऐसा पर्सन है ना कि आप बोर नहीं हो सकते उसके साथ बिल्कुल भी। तो फुल मस्ती करती है वो, लाइफ एकदम बिंदास जीने वालों में से है वो। और इसमें से मतलब मैं सबको नहीं जानती हूँ, ये नीतू के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे मतलब मैंने क्लास छोड़ दी थी तो उसके बाद आए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं मतलब पहली बार मिल रही थी, लेकिन उनसे मिलकर बिल्कुल लगा ही नहीं कि यार हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। सबने फुल मस्ती करी है, वैसे भी आपको पता है जहाँ लेडीज़ और लड़कियाँ मिल जाती हैं वहाँ तो फुल मस्ती होती ही होती हैं। तो बहुत ही मज़ा आया। और पूनम की मैं बात कर रही थी, तो ये जो ब्लैक टॉप मतलब वन पीस में वाइट लाइनिंग और वन पीस जिसने पहना है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और फ्रेंड्स तो मेरी बहुत सारी हैं, फ्रेंड्स की कमी नहीं है, पर कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं ना जो बहुत खास होती हैं और जिनके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हो, तो ये उन फ्रेंड्स में से एक है। तो वो और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। एक घंटा और लगेगा पहुंचने में, अभी फिर मैं आपको वहां पहुंच के मिलती हूँ।
गाइस हम लोग बस से उतर गए हैं और हम लोग एक्चुअली सीधा अंदर ही आ गए क्योंकि पार्किंग काफ़ी अंदर थी और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ से अंदर आना हुआ नहीं, मतलब पैदल आना बहुत ही मुश्किल था, तो हम लोग डायरेक्ट सीधा पार्किंग एरिया में आ गए। और अब यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर। तो गाइज यहाँ पे हम लोग पहले अच्छे से खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर अंदर चेंज करेंगे और फिर फुल मस्ती। तो अब मैंने इतनी सारी पक पक कर दी, बताया ही नहीं, फिलहाल आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। हम लोग आ रहे हैं वाटर पार्क, और ये वाटर पार्क ना जहाँ मैं हम लोग रहते हैं वहाँ से, मैं वैसे अमरावती में रहती हूँ लेकिन बहुत लोग समझते नहीं है कि अमरावती कौन सा। और अब हम लोग जा रहे हैं लॉकर में, थोड़ा सामान रखेंगे और वहीं पर ड्रेस चेंज करेंगे जिस जगह है, तो इसलिए मैं ना नागपुर ही बोलती हूँ। तो ये नागपुर और अमरावती में जो गैप आता है वो करीबन 2.5 घंटे का गैप रहता है, मतलब अमरावती और नागपुर का जो डिस्टेंस है, तो हम लोग नागपुर आए हुए हैं। तो गाइस ये इसका एंट्रेंस है। तो गाइस आप लोगों ने एंट्रेंस इसका देख लिया, बहुत ही सुंदर बनी हुई थी, बड़े से ऐसे सांता क्लॉज टाइप की ऐसे मतलब स्टैचू बना हुआ है, और जगह जगह पे मतलब अंदर भी काफ़ी बना हुआ है। तो मुझको क्या लगा कि ये बहुत छोटा है, बट यार ये बहुत ही बड़ा है। मैं स्टार्टिंग में मैंने जब देखा ना है ये तो शुरू होते ही ख़त्म है, बट ये ना कई पार्ट्स में बना हुआ है ना, तो बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब बहुत दूर तक। और यहाँ पर हम लोगों ने लॉकर ले लिया है, और एक मतलब लॉकर के 100 रुपये लगते हैं एक लॉकर के, तो मैंने और पूनम ने अपना सामान उसी में रख लिया। तो गाइज यहाँ के वाटर पार्क की जो टिकट थी वो थी 700 पर पर्सन, और अगर आपके साथ में बच्चे हैं, जैसे 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगेगा, बट 5 साल से जो 12 साल तक के बच्चों हैं उनका 500 टिकट लगेगा, उसके ऊपर हुए तो फिर आपको 700 ही देना पड़ेगा। और बहुत सारी एक्टिविटी है इसके अंदर, मतलब आप अगर आए ना पूरा दिन आपका आराम से बीत जाने वाला है। और मुझको लग रहा था कि धूप में हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बट फुल मस्ती करी, और वो लोग मुझे बोल रहे हैं आ जा फ़ोन रख दे, बट मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ फिर मैं भी आती हूँ। तो गाइस जो मैं आपको बोल रही थी कि मेरा पोपट हो गया, एक्चुअली हम लोगों ने जो बस बुक करी थी उसने बस की बजाय हमें क्रूज़र भेज दी थी, जो कि वो जीप टाइप की जो आती है ना 10 सीटर, वो तो उस वजह से हम लोग को 2 घंटा वेट करना पड़ा। मतलब मैं रात के 3 बजे उठी और रेडी हुई, और उसके बाद ये था बस 4:45 बजे आ जाएगी, बट फिर वो उसने जब देखा तो सबका मूड ख़राब हो गया। एक बार को तो ऐसा लगा कि हमारा प्लान कैंसिल ही हो जाने वाला है, बट फिर नीतू ने बोला कोई बात नहीं, इसका जो भी कैंसिलेशन चार्ज होगा दे देंगे। वो 3,000 मांग रहा था कैंसिलेशन चार्ज, बट हम लोगों ने उसको बड़ा कन्विंस किया, और हमने कहा भैया हम मतलब आपकी गलती है, हमने आपको बोला था 14, तो हम बड़े ही हैं और साथ में लोग बच्चों को भी लेकर आए थे, तो 4 बच्चे थे, तो हम इसमें कैसे आते। तो इस वजह से फिर उसने उसको कैंसिल करके और हमें फिर ट्रैवलिंग वाली बस, मिनी बस जो होती है वो दी। तो फिर हम लोग घर से करीबन 9:30 बजे निकले, तो हमने वहाँ पे इसलिए नाश्ता किया, नहीं तो हम यहीं नाश्ता करते। और ये पूनम एक्चुअली ना ये बार बार वहाँ पे, मतलब मैंने तो बार बार डाला ही नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, और ये बार बार सोच रही थी मेरी अकेले की वीडियो बना, और बार बार कोई ना कोई आके खड़ा हो जा रहा था, बार बार कोई ना कोई आके खड़ा हो जा रहा था। तो मतलब उसको 5 से 6 टेक लगे हैं खाली उतना सा रिकॉर्ड करने में। और यहाँ पे ना मैंने वॉइस मतलब डाली थी, बट कैसा था, फ़ोन मैंने सेल्फी स्टिक में लगा दी थी, तो मेरी कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, खाली मुँह हिल रहा है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर पीछे से करना पड़ रहा है। और जो ये वाला था ना यार, गजब, मतलब मज़ा था, मज़ा ही आ गया इसमें। इसमें से लहरें ऊपर नीचे आ रही थी, और ऐसे तेज़ आ रही थी कि एक बार को वो मुझे गिरा दे रही थी, मतलब हम लोग खड़े ही नहीं हो पा रहे थे उसके अंदर। और सबसे ज़्यादा मज़ा मतलब मुझे ना इसमें ही आया। और ये कोमल है, देखो ये उठ नहीं पा रही है, तो मतलब इसमें यही था। आप देखना यहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है, एक क्लिप मैं 10 बार देख देख के हंस चुकी हूँ। ये लोग मुझे पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, और मैं बोलूँ नहीं, मेरे को डर लग रहा है, मेरी हाइट कम है, मेरे ऊपर पानी आ जाएगा, और मुझे सच में पानी से बहुत डर लगता है। मैं मतलब जैसे मेरे को ना सफोकेशन होने लग जाता है ज़्यादा पानी अगर मेरे ऊपर आया तो। और बहुत लोग के साथ नहीं होता है, पर मेरे साथ है कि अगर मेरे मुंह पे पानी है तो मेरी आंखें नहीं खुलती जब तक कि मैं अपनी अच्छे से आंखें ना पोंछ लूँ। तो ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं, एक बार तो ये लोग आपस में ही भिड़ के गिर गए, और आखिरी में इसने मुझे भी गिरा दिया। तो यहाँ पे ये हुआ था, मतलब फुल मस्ती करी है हम लोगों ने, फुल पागलपंती जो होती है ना वो करी है।
और यहाँ पे मैंने भैया को बोला था कि आप रिकॉर्ड कर लो, तो वही वो रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब उनकी वजह से ही बहुत हेल्प हुई है, तो थैंक यू भैया। आप नहीं होते तो फिर शायद इतने अच्छे से मतलब ये जो क्लिप्स बनी है नहीं बन पाती, और यहाँ पे चालू हुआ फुल डांस। तो गाइस मैं सॉन्ग बार बार हटा दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैं ऐसे ही पागलों के जैसे नाचते हुए दिखा रही हूँ आपको, मतलब समझ जाना। यार दोस्तों के साथ ऐसा जाने में और फुल एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है सब सारी टेंशन ख़त्म, फुल एंजॉय, फुल मस्ती। और ऐसा नहीं था कि सब आपकी ही एज ग्रुप की थी, कोई आपसे बड़ी थी, कोई आपसे छोटी थी, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। मैं नहा के चेंज कर ली हूँ और यहाँ पर अब ना ये चालू हो गई एक्टिविटी। तो गाइज 4 बजे यहाँ पे टाइमिंग है, वाटर पार्क बंद कर दिया जाता है, उसके बाद 4 बजे से फिर यहाँ पे राइड स्टार्ट होती है, आप देख रहे हैं। तो 4 बजे से 5:30 बजे तक राइड्स रहती है ना पूनम, 5:30 तक। तो अभी मैं बैठी हूँ चेयर वाली पे, पूनम देख, पूनम रोलर कोस्टर चालू है। तो गाइस अब है झूलों की बारी, और झूला झूलना किसको नहीं पसंद भाई, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और हम लोग फ्रेश फ्रेश हो गए, नहा लिए, क्योंकि वो पता है ना आपको वाटर मतलब जो पानी होता है पूल का उससे बाल वाल एकदम अजीब हो जाते हैं, तो हम लोगों ने शावर ले लिया था। वहाँ पे है फैसिलिटी वॉशरूम वगैरह की, बट हाँ वॉशरूम इतने क्लीन नहीं रहते क्योंकि इतनी पब्लिक रहती है, और आपको पता है कि लोग कितना पब्लिक प्लेस पर कितना केयर करते हैं, तो इसलिए आप को वॉशरूम इतना क्लीन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जिप लाइन भी है, अदर एक्टिविटी भी है, कैमल राइड भी है, इक्का राइड भी है, मतलब सब 700 में सब इंक्लूड है। तो हमने वो वाला झूला झूला, उसके बाद अभी मैं ये वाले पे झूल रही हूँ, ये बड़ा मज़ा आता है इसमें भी। और अब बारी है गाइस ड्रैगन वाले की, और इसमें भी बहुत ही मजा आता है। तो जब ये ऊपर जाता है तो पेट में गुड़गुड़ होता है, और उसमें आपने देखा होगा पूनम के एक्सप्रेशन कैसे हो रहे थे, वो पेट में उसके गुड़गुड़ होता, तो वो अजीब सा एक्सप्रेशन दे दी, मैं उसको बोला उनका क्या कर रही है तू, अजीब सी आवाज़ निकाल रही है। और यहाँ पे जो आंटी जी है ना, इनको मैंने बोला कि हम तीनों साथ में हैं तो हमें बैठने दो, आप इधर आ जाओ, पर वो बीच में से हटने को तैयार नहीं करी, नहीं मुझे डर लगता है मैं तो यहीं बैठूंगी। तो जिसको मन कर रहा था वो अपना घूम रहा था, मतलब ये था कि ठीक है जिसका जिसका ग्रुप है वो अपने अपने ग्रुप के साथ, जैसे मैं पूनम एक साथ थे, और कोमल और दीक्षा एक साथ थे, नीतू और नीतू की फ्रेंड वो दोनों एक साथ थी। तो सारे राइड कंप्लीट कर लिए हैं अभी, ये मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पे जाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा ये, मतलब कुछ काफ़ी एडवेंचर टाइप का लग रहा है और डेंजरस भी लग रहा है, बट ये थोड़ा रिस्की भी लग रहा है ना यार, डर लग रहा है ना। हाँ पूरा पीछे खींच के छोड़ देते, अब छोड़ कितना ऊपर ले जाके छोड़ बना रहे हाँ। क्योंकि हम बैठेंगे तो बनेगी नहीं ना, बाप रे। तो गाइस मुझे लग रहा था कि हमारी वीडियो नहीं बनेगी, हम लोग बैठे हैं एक्चुअली, तो हम तीन हैं और साथ में एक लड़की थी ना, तो उसके जो भैया थे उनको उसने बोला कि वीडियो निकाल देना, तो उसने वीडियो निकलवाई थी अपने भैया के फ़ोन से, और बाद में उसने हमको शेयर कर दी थी, तो फाइनली हमें ये वाली वीडियो भी मिल गई, और मैंने ये इसमें ऐड कर दी है। और बहुत ही डेंजर था भाई ये, बहुत ही डेंजर था, एक बार को तो सच बताऊँ सांसें ना हलक में आ गई थी, लग रहा था बस गए, और मैं कंटिन्यू ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। अब हो गया बंद क्योंकि यहाँ पे लास्ट 6:30 बजे तक ही चालू रहता है, तो अब सब बंद हो चुके हैं राइड्स एंड मतलब वाटर का जो टाइमिंग रहता है वाटर पार्क का वो 4 बजे तक, फिर उसके बाद जो राइड्स रहती हैं उनका 6:30 तक, बट 6:30 से 7 हो जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं लॉकर रूम से सामान लेंगे और फिर बाहर, सब कुछ बंद हो चुका है और सारी भीड़ भड़ाका ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको सीधा बस में मिलती हूँ।
तो गाइस मैं आ गई हूँ बस में और बस हमारी चल दी है। और यार मतलब फुल मज़े मारने के बाद ना फिर थकान और सारी गर्मी सारी प्रॉब्लम तभी होती है। तो अभी तक तो मस्ती में कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब आप मेरी हालत देखिए पसीने कितने हो रहे हैं। और ये जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पूरा मतलब वही है जो द्वारका वाटर पार्क है, तो ये पूरी उसकी बाउंड्री है, काफ़ी दूर तक बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। काफ़ी दूर तक एरिया में बनाया गया है इसको, और वो थोड़ा जंगल एरिया है इसीलिए वहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपको आउटसाइड पर ही दिखती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये खत्म हुआ, ये इसका एंट्रेंस था। बस यहाँ पे मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं व्लॉगिंग में, तो ये स्टार्ट है, ट्राई है, और मेरी मेहनत को प्लीज सराहिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी अगर नागपुर से कोई जैसे नागपुर के आसपास के जो लोग होंगे तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी। इसके साथ मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ। बाय गाइस एंड गुड नाइट।